सबसे पहले मैं एक नया प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ और 16:9 एस्पेक्ट रेशियो रखूंगा, रेजोल्यूशन 1080 पिक्सल, फ्रेम रेट 30 FPS और बैकग्राउंड में ब्लैक रखूंगा। और यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट का नाम देता हूँ स्लाइड लोअर थर्ड। ओके, और ये देखिए मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। और यहाँ पे सबसे पहले मैं एक स्क्वायर शेप यहाँ पे ऐड कर लूँगा और इसको मैं मॉडिफाई करके एक रेक्टेंगल बना लूँगा इस तरह से, और पोजीशन प्रॉपर्टीज़ में जाके इसको बिल्कुल बीच में इस तरह से प्लेस कर लूँगा। परफेक्ट। और अभी इस रेक्टेंगल का मैं और दो लेयर्स क्रिएट करूँगा, डुप्लीकेट लेयर्स। ओके, और अभी मैं ऊपर के जो दो लेयर्स हैं उनको हाइड कर लूँगा और जो नीचे का लेयर है उसको मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं फील को हटा दूँगा। यहाँ पे मुझे कोई कलर नहीं चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे स्ट्रोक को ऑन कर लूँगा और यहाँ पे मैं जो स्काई ब्लू कलर है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए एक आउटलाइन बन चुका है। और अभी मैं स्ट्रोक के साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लूँगा, यहाँ पे 4 है बाय डिफ़ॉल्ट, मैं इसको 7.5 कर लूँगा। तो देखिए इस तरह का एक आउटलाइन बन चुका है। अभी मैं उसके ऊपर वाले शेप को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इसका कलर वाइट कर लूँगा और इसको मैं अनहाइड कर दूंगा, तो इस तरह का एक रेक्टेंगल मुझे मिल जाएगा। और इसके साइज़ को मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगा, थोड़ा सा हाइट एंड विड्थ को आप इंक्रीज़ कर लें ताकि जो नीचे का जो आउटलाइन है ब्लू कलर का वो हाइड हो जाए बिल्कुल। और अभी मैं ऊपर का रेक्टेंगुलर शेप सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर हमें ब्लैक कलर चाहिए तो उसको ब्लैक कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। और अभी मैं टाइमलाइन में थोड़ा सा आगे जाके इसको एनिमेट करूँगा, जो ब्लैक रेक्टेंगल है उसको टाइमलाइन में आगे एक मैं की फ्रेम क्रिएट कर लेता हूँ और सामने की तरफ और एक की फ्रेम क्रिएट करूँगा। और अभी जो सेकंड की फ्रेम है वहाँ पे जाके मैं इस शेप को इस तरह से ड्रैग कर लूँगा। ओके, परफेक्ट, यहाँ पे प्लेस हो चुका है। लेकिन मैं अभी यहाँ पे इसका कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि मैं इस रेक्टेंगल को ईजिली मॉडिफाई कर पाऊँ। ओके, और अभी मैं इस शेप का थोड़ा सा साइज बढ़ा देता हूँ। देखिए इस तरह से जो नीचे का जो रेक्टेंगल है उनको बिल्कुल हाइड करना चाहिए। और अभी मैं इस एनिमेशन को इजी ईज कर लेता हूँ। देखिए इस तरह से हो गया है। बाद में हम लोग इस रेक्टेंगल का जो कलर है उसको ब्लैक कर देंगे, लेकिन अभी के लिए मैं इसमें इसका कलर को दूसरा सिलेक्ट करके रखा हूँ। और अभी मैं जो वाइट रेक्टेंगल है उस लेयर को थोड़ा सा पीछे लेके जाते हैं। वाइट जो लेयर है उसको भी एनिमेट करना होगा, तो सबसे पहले मैं की फ्रेम क्रिएट करूँगा और टाइमलाइन में आगे जाके और एक की फ्रेम क्रिएट कर लूँगा। और यहाँ पे मैं इस शेप को ड्रैग करूँगा इस तरह से, देखिए बाहर की तरफ, और इसको बिल्कुल हमें इस तरह से प्लेस कर लेना है कि एक छोटा सा हिस्सा जो है वो बाहर रहे। जो ब्लू रेक्टेंगल है उसके साइड में एक छोटा सा वाइट रेक्टेंगल का पोर्शन दिखाई देना चाहिए, तो इसीलिए हम लोग इस तरह से उसको प्लेस कर लेंगे अच्छी तरह से साइड में। देखिए, और इस एनिमेशन को मैं इजी एज कर लूँगा। और अभी मैं जो ऑरेंज रेक्टेंगल है उसका कलर चेंज करके ब्लैक कर दूंगा। ओके, तो देखिए कुछ इस तरह का एनिमेशन हो चुका है। ओके, और जो ब्लैक रेक्टेंगल है उसका साइज मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, विड्थ भी बढ़ाऊंगा और हाइट भी बढ़ा दूंगा ताकि ये पूरे एनिमेशन को बिल्कुल कवर कर ले, नीचे के जो लेयर्स उनको कवर करे। और देखिए कुछ इस तरह का एनिमेशन अभी क्रिएट हो चुका है। परफेक्ट। ओके, अभी जहाँ पे ये एनिमेशन ख़त्म हो रहा है वहाँ पे हमें अपना टैक्स ऐड करना है, तो मैं टैक्स यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा और इसको मैं टाइप कर लेता हूँ, लीव ए कॉमेंट। ओके, यहाँ पे फॉन्ट मैं थोड़ा सा बोल्ड पसंद करता हूँ तो इसलिए ये कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। साइज़ मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लूँगा, कलर यहाँ पे मैं वाइट सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको अच्छी तरह से मैं ये जो रेक्टेंगल शेप है उसके बीच में प्लेस कर लेता हूँ। देखिए, ओके, तो थोड़ा सा मैं ऊपर रखूँगा। और एक टैक्स यहाँ पर ऐड करना है, सेकेंड लाइन ऑफ टैक्स यहाँ पर ऐड होगा, इसको थोड़ा सा इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं साइज को। यहाँ पे इसका एक डुप्लीकेट लेयर मैं क्रिएट कर लूँगा और उसको थोड़ा सा नीचे लाऊंगा जहाँ पे मुझे सेकंड लाइन ऑफ टैक्स यहाँ पे ऐड करना है। ओके, और टैक्स को एडिट करके मैं अपने चैनल का नाम यहाँ पे दे दूँगा, नो इन शॉर्ट।
और इसका फॉन्ट मैं थोड़ा सा हल्का रखूँगा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा लाइट फॉन्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, साइज़ भी मैं थोड़ा सा रिड्यूस कर दूँगा और कलर मैं यहाँ पे थोड़ा जो आउटलाइन का कलर है वही कलर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए अभी तक इस तरह से एयर हो चुका है। अभी मुझे दोनों टेक्स्ट को एनिमेट करना होगा, तो यहाँ पे मैं उसको अपवर्ड स्लाइड का इफेक्ट दूंगा, तो इसलिए टाइमलाइन में आगे एक की फ्रेम क्रिएट कर लूँगा और सामने की तरफ एक की फ्रेम क्रिएट करूँगा, और जो सामने का की फ्रेम है वहाँ पे मैं टेक्स्ट को इस तरह से नीचे की तरफ ड्रैग कर लूँगा और इस एनिमेशन को मैं एजीज कर लेता हूँ। सिमिलरली मैं अपना जो सेकेंड टेक्स्ट है को मैं थोड़ा सा पीछे रखूँगा ताकि थोड़ा सा डिसिंक हो। यहाँ पे सामने एक की फ्रेम क्रिएट करूँगा और आगे जाके और एक की फ्रेम मैं यहाँ पे क्रिएट कर लूँगा, और जो सामने की फ्रेम है वहाँ पे मैं टेक्स्ट को नीचे की तरफ ड्रैग कर लूँगा। ओके, देखिए, और इसको मैं इजी ईज कर लेता हूँ। तो एक बार प्ले करके देखते हैं। ये देखिए इस तरह का एनिमेशन हो चुका है, और अभी मैं जो लेयर्स का लेंथ है उसको एडजस्ट कर लेता हूँ। अभी सिंपली जो दोनों टैग्स हैं उसको मैं एक रेक्टेंगल शेप से यहाँ पे कवर कर लूँगा ब्लैक कलर के, और उसके लिए जो मैं एग्जिस्टिंग रेक्टेंगल है उसका और एक डुप्लीकेट लेयर मैं यहाँ पे क्रिएट कर लूँगा और इसको मैं इस तरह से ऊपर लेके जाऊँगा। सबसे पहले इसको ट्रिम कर लेते हैं एंड उसके बाद इसका स्ट्रोक को मैं हटा देता हूँ। ओके, और फील कलर में जाके मैं रेड कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद मैं इसको अच्छी तरह से इस तरह से प्लेस कर लूँगा। ओके, हालांकि हमें इस शेप का कलर ब्लैक रखना है, लेकिन क्योंकि बैकग्राउंड ब्लैक है इसलिए अगर मैं इसका कलर ब्लैक सिलेक्ट करूंगा तो एडजस्ट करने में दिक्कत आएगी, तो इसीलिए एडजस्ट हो चुका है और अभी सिंपली मैं इसका कलर ब्लैक कर दूंगा। तो देखिए बहुत ही अच्छी एनिमेशन यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि ये एनिमेशन आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह के एनिमेशन आप अपने वीडियोज़ में यूज़ कर सकते हो, डेफिनेटली आपके वीडियोज़ के प्रोडक्शन वैल्यू को ये इम्प्रूव करेगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, और मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।